अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। पाकिस्तान लार्जेस्ट विंड मिल इंस्टॉल्ड इन कराची। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, स्पेशली विंड मिल्स के अंदर, और ठट्ठा से लेके कराची हब और गवादर तक जितना भी एरिया है, कोस्टल एरिया, वहां पे बहुत तेजी के साथ विंड मिल्स इंस्टॉल हो रही है। ये इस तरह की विंड मिल, ये 4.8 मेगावाट की विंड मिल है, जो कि चाइना की कंपनी है गोल्ड विंड कंपनी वालों ने ये इंस्टॉल किया है। इनकी 4 मेगावाट की विंड मिल भी होती है और 15 मेगावाट की विंड मिल भी होती है। इसका एक कंपेटिटर है जो कि डेनमार्क की कंपनी है, वेस्टास, VESTAS, उसके भी आप ये देखिए वेस्टास के भी विंड मिल्स लगी हुई है, जो कि डेनमार्क में, जर्मनी के अंदर और नॉर्वे के अंदर आपको बहुत ज्यादा इनकी विंड मिल्स नजर आएगी, स्पेशली ऐसे एरियाज में जो समुंदर के अंदर है। समुंदर मतलब एक तो कोस्टल एरिया होता है, यानी कि जहां पे साहिल समुंदर होता है, उससे तकरीबन 2-2 किलोमीटर आगे या 5-5 किलोमीटर आगे तक ये बड़ी बड़ी विंड मिल्स लग चुकी हैं। ये जो विंड मिल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, ये 110 मीटर ऊंची विंड मिल है। 110 मीटर का मतलब है तकरीबन 350 फुट। 350 फुट का मतलब है कि तकरीबन 35 मंजिला बिल्डिंग हो ना, तो उस लेवल का उतना ऊंचा इसका पंखा होगा। यानी कि 35 मंजिला बिल्डिंग कराची में आप देख लें, जो बड़ी बड़ी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो कोई 35 मंजिला, मतलब ज्यादातर 25-30 मंजिला होती हैं कराची के अंदर, और 35 मंजिला अगर विंड मिल एक लगती है तो वो पूरे कराची में नजर आती है। 8 अदद विंड मिल्स इन्होंने इंस्टॉल की हैं, ये जो मैंने जैसे बताया 4.8 मेगावाट की, और ये एक मिल लगी है जी लकी सीमेंट में। लकी सीमेंट एक बहुत बड़ा सीमेंट का प्लांट है, पूरे पाकिस्तान में इनका सीमेंट जाता है, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद, पिशावर, हर जगह लकी सीमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा है जी ओरिएंट एनर्जी, ओरिएंट एनर्जी वाले भी लगा रहे हैं, और तीसरे नंबर पर लिबर्टी मिल्स है, और चौथे नंबर पर यूनस टेक्सटाइल मिल्स। ये जो 4 मिल्स हैं इनके अंदर 4.8 मेगावाट के लग गए हैं, और इसके अलावा अगर आपने अपने घर की छत के ऊपर लगवाना है ये विंड मिल का सिस्टम, तो 5 किलोवाट वाला सिस्टम भी अवेलेबल है, 10 किलोवाट वाला भी अवेलेबल है, 15 किलोवाट वाला भी अवेलेबल है, 20 वाला भी है, और 100 किलोवाट वाला सिस्टम भी अवेलेबल है। वो कैसे आपको मिलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपने शहर का नाम बताना है, और शहर आपका होना चाहिए ऐसा जहां हवा बहुत तेजी से चलती हो, जैसे कराची है, ठट्ठा है, गवादर है, पसनी है, या पंजाब में भी कुछ एरियाज हैं जहां पे हवा बहुत तेज चलती है, उन एरियाज के अंदर ये विंड मिल्स लग सकती हैं। विंड मिल्स बनाने वाली कंपनीज काफी ज्यादा है। अगर यूरोप वाली साइड पे जाएं तो जर्मनी की कंपनी है सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस कंपनी है जर्मनी की, जो कि विंड मिल्स या विंड टर्बाइंस बनाती है। ये हर तरह की टर्बाइंस बनाती है, चाहे वो जहाज के इंजन हो, चाहे वो बैरी जहाज के इंजन हो, चाहे वो डैम्स हो, त्रिबेला डैम, मंगला डैम, इसके अंदर जितने भी वो ब्लेड लगते हैं ये मतलब बनाती है सीमेंस कंपनी। फिर एक कंपनी है अमेरिका की जिसे कहते हैं जनरल इलेक्ट्रिक, GE, इसके बल्ब भी आपको नजर आ जाएंगे, जनरल इलेक्ट्रिक है। जनरल इलेक्ट्रिक की टर्बाइंस पाकिस्तान में अगर आप देखें, त्रिबेला डैम, मंगला डैम और इस तरह के बड़े बड़े डैम्स के अंदर आपको जनरल इलेक्ट्रिक की टर्बाइंस नजर आएंगी। जनरल इलेक्ट्रिक भी विंड मिल्स को बनाते हैं, ठीक, विंड मिल्स की टर्बाइंस को बनाते हैं। अब ये चाइना की नई कंपनी आई है गोल्ड विंड के नाम से, गोल्ड विंड, जिनकी ये विंड मिल्स हैं, तो ये भी विंड मिल्स बनाते हैं। ये छोटे लेवल की विंड मिल्स भी बनाते हैं और बड़े लेवल की विंड मिल्स भी बनाते हैं। ये वाला जो सिस्टम है, ये 4.8 मेगावाट वाला, ये पाकिस्तान लार्जेस्ट विंड मिल है, और पाकिस्तान में 110 मीटर ऊंची ये विंड मिल इन्होंने लगाई है। और अगर आपने अपने घर की छत पे लगवाना है, कराची में आप रहते हैं, स्पेशली कराची के DHA में रहते हैं, कराची आप DHA फेज, जैसे आपको पता है फेज 9 है, फेज 10 है, फेज 8 है, उन एरियाज में अगर आप रहते हैं, आप क्लिफ्टन में रहते हैं, आप हॉक्स बे में रहते हैं, आप आइए चंद्रीगढ़ रोड पे आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, वहां पे आप विंड में लगाना चाहते हैं, या सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट यानी साइट के अंदर आपकी कोई फैक्ट्री है तो वहां पे अगर आप करना चाहते हैं, या औरंगी टाउन में जहां बड़ी तेज हवा चलती है, इन एरियाज में अगर आपकी फैक्ट्री है या आपका घर है या आपका ऑफिस है या कोई भी ऐसा सिस्टम है, तो आप ये 5 किलोवाट का विंड सिस्टम से लेके 100 किलोवाट या इवन 1 मेगावाट तक का सिस्टम इजीली लगवा सकते हैं। उसकी प्राइसेस क्या चल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। 5 किलोवाट का सिस्टम अगर आपने लेना है ना, तो सारा सिस्टम, इसमें इन्वर्टर भी शामिल है, विंड मिल भी शामिल है, सारा कुछ लगा के आपको $500 देने पड़ेंगे, $500। 10 किलोवाट का जो है वो 1000 से लेके $1200 तक का ये सिस्टम है 10 किलोवाट का। एक दफा आप लगवा लेंगे पूरी जिंदगी के आराम होगा, यानी 50 साल तक आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। आप एक दफा 10 किलोवाट का ये $1000 या $1200 का आप लगवा लेते, 1000 1200 क्या है, तकरीबन पाकिस्तानी 3-3.5 लाख रुपया बनता है,
3 लाख रुपया अगर आप लगा लेते हैं तो आपको अगले 25-30 साल के लिए बिजली का कोई यूनिट नहीं आएगा, और रात को बिजली। सोलर में तो ये होता है ना कि सोलर आमतौर पर सिर्फ दिन को चलता है, सुबह 6 बजे चलता है और रात को 10 बजे चलता है, और लेकिन जो विंड मिल है ये 24 घंटे चलती है, रात के 2 बजे भी, रात के 3 बजे भी। और सोलर में एक और प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है। पिछले साल जो सोलर पैनल 130 रुपए वाट था, अब वो 25 रुपए वाट मिल रहा है, और 3 महीने बाद ये साल जब खत्म होगा आप देखेंगे, और 2-2.5 महीने रह गए साल खत्म होने में, 2024 जैसे ही खत्म होगा और 2025 आएगा, हो सकता है सोलर पैनल जो आज 25 रुपए वाट मिल रहे हैं वो सिर्फ 5 रुपए वाट आपको मिलने शुरू हो जाए, और 2 साल बाद आप उन सोलर के जो पैनल्स हैं उनको ज़्यादा खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कोई ना कोई मसला हो जाएगा, उनको जब बेचने जाएंगे तो जो कबाड़ी है ना वो आपसे सिर्फ एल्युमिनियम के पैसे देगा आपको। उसके सोलर पैनल के इर्द गिर्द जो एल्युमिनियम का फ्रेम होता है ना, वो सोलर पैनल पूरे को तोड़ के उसमें से एल्युमिनियम की शीट्स निकालेगा, उसको तोलेगा 200 रुपए 300 रुपए किलो के हिसाब से। अगर पूरे पैनल के अंदर 2 किलो एल्युमिनियम निकला तो वो आपको 600 रुपया दे देगा, और पूरे सोलर पैनल का जो आपने आज से साल पहले 60,000 रुपए का पैनल खरीदा था वो आपको 2-3 साल बाद 600 का बिकेगा, यानी 100 गुना कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि VCR थे पुराने जमाने में, पुराने टीवी थे बड़े बड़े, पुराने मॉनिटर थे, पुराने मोबाइल थे, वो आप रद्दी वाला यानी कि कूड़े वाला भी नहीं खरीदता, आप कूड़े वाले जमादार को भी देना वो भी नहीं उठाएगा, इतने उसकी वैल्यू कम हो गई है, यानी 100 गुना छोड़ के 1,000 गुना वैल्यू कम हो गई है। कबाड़िया भी नहीं अब उसको खरीदता, कबाड़िया भी कहता है यार कूड़े में फेंक दो, और कूड़े वाला कहता है हमें ना दो क्योंकि हमें उठाना पड़ेगा फजूल में, तो कूड़े में भी वो नहीं लेगा। तो इसलिए ये है कि आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके विंडमिल से लगवाएं। अगर आपने विंडमिल लगवानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम, अपना बजट वो बताएं, तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप ये विंडमिल कैसे ले सकते हैं, क्या तरीका है विंडमिल लेने का। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी ये मैं आपको ये भी कहूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और वॉक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक मैं वीडियो देख रहा था एक डॉक्टर की, बड़ी अच्छी उसने बात की, उससे कहा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको हार्ट का कोई मसला तो नहीं है तो आपको 40 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर का टेस्ट करना पड़ेगा, वो आप महीने में एक दफा कर सकते हैं। करना यह है कि आपके घर के करीब जो 3 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है ना, यानी आपके घर से 3 किलोमीटर दूर का कोई पॉइंट ढूंढ लें, उस तक आपने जाना है पैदल, आपने पैदल जाना है, कोई जॉगर पहन लें या कोई भी इस तरह के पहन लें, पहनने के बाद आपने घर से निकलना है, 3 किलोमीटर दूर जाना है उस फुटपाथ के जरिए से, और आपने 20 मिनट में पहुंचना, अपनी घड़ी देख के आपने मोबाइल की मतलब घड़ी ऑन कर ले, 20 मिनट्स में आपने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, और दोबारा फिर वापस आना है, फिर 20 मिनट्स में बाकी का 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने तय करना है 40 मिनट में। अगर आप 40 मिनट में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेते हैं और आपके सीने के ऊपर कोई बोझ नहीं आता और आपका सांस नहीं फूलता तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ परफेक्ट है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और आपसे नहीं चला जा रहा तो इसका मतलब आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और आपके लिए बहुत खतरा है। इसलिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वॉक शुरू करें आज से। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।